नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम करेंगे Redmi Note 5 Pro का कैमरा रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल रहा है एक Redmi फोन पे, और ये पहला फोन है अकॉर्डिंग टू Xiaomi की Redmi सीरीज में उन्होंने डुअल कैमरा दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे इस वीडियो में हम नजर डालेंगे कि किस तरह के शॉट्स आप इस फोन से ले सकते हैं और उनकी क्वालिटी कैसी आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम गैजेट्स की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों, Redmi Note 5 Pro में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि 12+5 का एक सेटअप है। और सेटअप के अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो बहुत ही ओरिजिनल है, मतलब कहीं से इंस्पायर्ड या कॉपीड नहीं है। जी हाँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा जो है वो 20 मेगापिक्सल का मिलता है जिसमें सोनी का सेंसर है। तो उसके साथ Xiaomi ने बहुत ही ज़्यादा वास्ट इंप्रूवमेंट किया है फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों में एक Redmi सीरीज के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डे लाइट शॉट से, जो कि नॉर्मल फोटोशूट आप कभी भी ऑटो मोड पे लेते हैं। और अगर आप इन फोटोज पे नजर डालें तो आपको एक चीज तो साफ पता चल जाएगी कि जो सैचुरेशन लेवल है और जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को सैचुरेशन लेवल थोड़ी ज्यादा लगेंगी, लेकिन आप कैमरा की सेटिंग्स में जा करके जो सैचुरेशन लेवल है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और ये जो सेटिंग होती है दोस्तों, शायद मैंने अभी तक किसी और कैमरा में नहीं देखी है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इन फोटोज़ पे थोड़ा जूम भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको लॉस ऑफ डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और Redmi Note 4 से और Redmi Note 5 से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो मुझे इस कैमरे की फोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों HDR फोटोज़ की तरफ, और यहाँ पे जो HDR मोड है वो आपको ऑटो HDR नहीं मिलता है, बल्कि आपको मैन्युअली ऑन या ऑफ करना पड़ता है। लेकिन सेटिंग्स जो है दोस्तों कैमरा में लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप इन फोटोज़ पे नज़र डालें तो HDR मोड भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और यहाँ पे एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि जो शटर स्पीड है HDR फोटोज़ लेते समय वो बहुत क्विक है, और आप एक के बाद एक फोटोज़ ले सकते हैं, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप फोटोज़ पे नज़र डालें तो डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है। शार्पनेस मैं 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी हाँ 80% तक यहाँ पे आपको शार्पनेस मिल जाती है, क्लैरिटी अच्छी है। और उसके बाद अगर आप नॉर्मल फोटोज़ को भी अगर HDR में लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे आपको मतलब सोचने की बात नहीं है, बिकॉज कैमरा की प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा क्विक है और अच्छी है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम मैक्रो फोटोज़ की तरफ, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे अभी रिसेंट कैमरा रिव्यू किए थे, और वहाँ पे मुझे एक दिक्कत जो आई थी कि कैमरा को जो मैक्रो डिस्टेंस है वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन Redmi Note 5 Pro में दोस्तों मैक्रो डिस्टेंस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी मतलब अगर देखिए आप ट्री के बाग के ले रहे हैं या जैसे हमने लिया फूलों के लिए है, तो वहाँ पे फोकस करना बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो क्लैरिटी है और जो आपको डिटेलिंग वहाँ पे देखने को मिलेगी वो बहुत ही अच्छी, मतलब 15,000 रुपये के कैमरा के लिए मैं मैक्रो शॉट्स को इसको 5 out of 5 ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों डुअल कैमरा है तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, लेकिन Mi A1 डिवाइस में जैसे कि एक टेलीफोटो लेंस था जहाँ पे आप 1x और 2x जूम कर सकते थे, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के काम आता है, और जो प्राइमरी कैमरा है वही आपकी फोटोज़ यहाँ पे लेगा। और अगर आप फोटोज़ पे नज़र डालें तो बालों के आसपास बहुत ही अच्छा काम किया है कैमरे ने, और वहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो बैकग्राउंड है और जो आपका हेयर है वो उतना बोके के अंदर सीमलेसली मर्ज नहीं होता है। और अगर आप कंधे के पास कभी देखें तो एक दो बार दोस्तों थोड़ा बहुत हिट एंड मिस है, तो यहाँ पे आपको फ्लॉलेस बोके नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा में भी बोके सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप नहीं है, बल्कि कैमरा जो है वो सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट के साथ आपको जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करता है, जैसे पिक्सल करता है, लेकिन काम पिक्सल जितने लेवल का नहीं है। यहाँ पे अगर आप बोके फोटोज़ को देखते हैं तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण आपकी जो फोटोज़ है वो थोड़ी बहुत वॉश्ड आउट लग सकती है, तो आपके ऊपर है। लेकिन एक और बात, अगर आप नाइट मोड में भी सेल्फी फ्लैश ऑन कर देंगे तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा बोके इफेक्ट देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नाइट फोटोज़ की बात करें तो ये कुछ फोटोज़ हैं जो हमने सेल्फी फ्लैशलाइट ऑफ करके और फिर सेल्फी फ्लैशलाइट ऑन करके ली है, और दोनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर आप लो लाइट सेल्फीज़ लेना चाहते हैं, ग्रुप फोटोज़ भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कैमरे का सेटअप है और जो उसका फ्लैश है जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दोनों से दोस्तों लो लाइट सेल्फीज़ बहुत अच्छी आती है।
दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लो लाइट फोटोज की तरफ, और यहाँ पे Xiaomi को थोड़ा और काम करना पड़ेगा अपने Redmi सीरीज में, बिकॉज जो नॉइस है दोस्तों वो अभी भी बहुत ज़्यादा है फोटोज में। और लाइट मतलब अगर आप किसी लाइट के जस्ट नीचे खींच रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर लाइट बहुत दूर है और आपके आसपास अगर अंधेरा है तो वो डिजिटल नॉइस और ज़्यादा उभर के आती है, और ऐसे में फोटोज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और उसमें दोस्तों अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी हिल जाए तो वहाँ पे आपका जो कैमरा है उसका जो शटर स्पीड के कारण ब्लर हो जाएगा, तो ऐसे में नाइट फोटोज़ के लिए इतना ज़्यादा प्रभाविक नहीं है ये कैमरा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम वीडियोज़ की तरफ, और यहाँ पे दोस्तों आपको फुल HD वीडियो का सपोर्ट मिलता है, 4K का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। अब कंपनी का दावा है कि आगे जाकर के OTS में 4K सपोर्ट आएगा, लेकिन आप सभी ने हमें फेसबुक में भी बोला कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 4K में, रिकॉर्डिंग करता कौन है अगर करता भी है तो। लेकिन अगर आप फुल HD में भी रिकॉर्डिंग करें तो एक बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आपको EIS जो कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है उसका सपोर्ट मिलता है, और अगर आप चलते चलते वीडियोस ले रहे हैं तभी भी आपको इतना ज़्यादा जर उस वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो वीडियो की क्वालिटी है दोस्तों क्योंकि वो क्रॉप आउट हो जाती है तो थोड़ी सी क्वालिटी में लॉस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप टाइम लैप्स वीडियोस भी ले सकते हैं, स्लो मोशन वीडियोस भी ले सकते हैं जो कि 720p पे होगा, और उसकी क्वालिटी फिर और थोड़ी घट के आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा Redmi Note 5 Pro का कैमरा रिव्यू, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कैमरा रिव्यू पसंद आया होगा। अब जाते जाते आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहेंगे कि हम इस कैमरे को Redmi Note 5 Pro को Mi A1 से कंपेयर करें, बिकॉज देखिए दोस्तों दोनों ही में Xiaomi ने डुअल कैमरा सेटअप लिया है लेकिन दोनों का जो सेटअप है वो अलग है, तो आप ऊपर दिए गए पोल में हमें बता सकते हैं। हाँ, अगर आपका जवाब हो तो हम उस पर आगे जाकर के वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके दोस्त इस फोन को खरीदना चाहेंगे तो आप हेल्प कर सकते हैं उनकी इसे अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर पे शेयर करने से। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना है, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।